गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th। हाउ आर यू? आई होप ऑल आर गुड, सेफ एंड फाइन। ओके, नाउ टूडेज मॉरल इज गॉड ऑलवेज गिव्स द रिजल्ट ऑफ योर गुड और बैड वर्क्स। दिस मीन्स गॉड हमेशा आपके अच्छे और बुरे कार्यों का परिणाम देता है। जैसा आप वर्क करते हो उसी बेस पे गॉड आपको रिजल्ट देता है। आप गुड वर्क करते हो तो गॉड आपको गुड रिजल्ट देगा, अगर आप बैड वर्क करोगे तो गॉड आपको बैड रिजल्ट देगा। ओके, इसलिए हमें हमेशा अपनी लाइफ में गुड वर्क्स ही करने चाहिए, जिससे हमारा फ्यूचर भी ब्राइट हो और हम गुड वर्क करें तो हमारा गॉड हमें गुड रिजल्ट भी दे, हमारे फ्यूचर में भी कुछ हमेशा गुड ही गुड हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर देखिए जो मेंटल मैथ बॉक्स बने हुए हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम पहले सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल बेसिकली हैं, जिनको आपको मालूम होना चाहिए। ये बिल्कुल आपके मेंटल मैथ क्यों कहा गया, ये आपके आपके माइंड पर बेस्ड है। ओके, आपके मेंटल पर कि आपकी थिंकिंग कितनी तेज है, कैसी है, इस बेस पर ये जो क्वेश्चंस होते हैं छोटे छोटे उसी पर होते हैं। ओके, आप कैसे इनको सॉल्व कर सकते हो, कितना तेज़ी सॉल्व कर सकते हो। ये जो आपने पीछे पढ़ा है एक्सरसाइज, ये बिल्कुल उसी बेस पर होते हैं। ओके, जैसे कि आपका फर्स्ट क्या है, एक्सप्रेस 555/10,000। ओके, एज ए डेसिमल नंबर, इसको हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए हमने आपको बताया था कि जब हम डेसिमल नंबर में किसी फ्रैक्शन को नीचे, अगर 10th हो, 1000 हो, 100 हो, इस टाइप्स के हो, तो हम उनको डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे राइट करते हैं। देखिए जितने जीरो होते हैं डिनोमिनेटर में, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो हैं, जितने जीरो डिनोमिनेटर में होते हैं उतने डिजिट के बाद हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 डिजिट है ऊपर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 डिजिट राइट कर लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, देखिए 4 जीरो हैं इसमें, तो हमें क्या करना है, 0 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करना है। तो हम यहाँ पे 3 ही है, तो 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 यहाँ पे राइट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे, उसके पहले आपको कोई ना कोई होल नंबर तो है नहीं, तो आप 0 ही राइट करोगे। ओके, तो ये आपका 0.0555 आपका आंसर हो गया। इसी तरह से इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। एडिंग का हमने बताया था आपको, जब हम ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, डेसिमल पार्ट को डेसिमल पार्ट के नीचे लिखते हैं और होल पार्ट को होल पार्ट के नीचे लिखते हैं। डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट पुट होना चाहिए। अब जैसे आपको 0.5 में 0.09 और 0.009 ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करोगे, 0.5 पहले आप राइट करो। ओके, अब हमें 0.09 लिखना है। ओके, तो इसमें पॉइंट के बाद देखिए 10th है, 10th क्या है आपका, 0 है, इसमें 10th क्या था, 5 था। उसके बाद 10th के पास 100th क्या है, 100th 9 है, इसमें 100th कुछ नहीं है, तो 10th के नीचे आप 10th ही राइट करोगे, 0.09। पॉइंट यहाँ हमने लगा दिया पॉइंट के नीचे, उसके बाद आपका 09 आपने राइट कर दिया। फिर है आपका 0.009, 0.009। ओके, इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। अब आप इसको ऐड कर सकते हो इजीली, यहाँ पे आप 0 राइट कर लो, यहाँ कुछ नहीं है तो आप 0 राइट कर लो। ओके, अब इसके ऊपर भी आप 10 राइट कर लो, ये हो गया आपका नंबर। ओके, अब हम इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान देना है कि 10th के नीचे 10th, जैसे हम वंस के नीचे वंस ऐड करते हैं, बिल्कुल उसी बेस पे ऐसे ही। सेकंड है आपका सी है आपका एज ए डेसिमल फ्रैक्शन, 1/5 को हमें डेसिमल फ्रैक्शन में राइट करना है। तो 1/5 को ऐड कैसे राइट करोगे आप, हम 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 1। अब हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, 1 लगाने के बाद हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। ओके, अब आप डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10, 0.2।
इसी तरह से हम इसको 10 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने जब बताया था मल्टीप्लाई करते वक्त हम क्या करते हैं, जितने पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उसी वही काउंट करके हम लास्ट में ऐड मल्टीप्लाई करने के बाद उतने पॉइंट के बाद लगा देते हैं डेसिमल पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे 8878 है। जब हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं 8878, जब हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 10 आ जाता है एक। और अब डेसिमल पॉइंट कैसे पुट करोगे आप, 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, 3 डिजिट के बाद हमने डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। इसी तरह भाई आप इसमें करोगे, इसमें करोगे। ओके, ये जी है आपका 0.1 0.1। देखिए इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट दोनों में डेसिमल पॉइंट होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों डेसिमल पॉइंट को ऐड करते हैं। पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेसिमल पॉइंट छोड़ दीजिए, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 है, 0 1 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ओके, अब हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पुट करना है, देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी 1 1 2 डिजिट, तो इसमें 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट पुट करना है। तो ये 1 हो गया, एक और आप 0 यहाँ बढ़ा लोगे उसके बाद, तब यहाँ पे ये हो गया 0.01 आपका आंसर। ओके, अब देखिए इसमें 0.1 डिवाइड करना आपको 0.1 से ही। जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, 1 आता है, आप जानते हो। और इसको आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो, जैसे 0.1 है अपान 0.1 है। ओके, हम इसमें पॉइंट डेसिमल पॉइंट को हम हटा देंगे, हम 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जब हम 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से हमें नीचे भी करना पड़ेगा, किसी भी नंबर में आप कुछ अगर चेंज करोगे तो सेम नंबर से आपको ऊपर नीचे दोनों में करना रहेगा। तो ये हमने देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका, यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा आपका। और नेक्स्ट जो है वो आप, ये हमने अभी बताया है, ये भी हमने अभी आपको समझा दिया बिल्कुल इसी बेस पे, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका 6.3, फाइंड दी कोसेंट इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग। हमें क्या करना है, कोसेंट निकालना है। ओके, ये देखिए 6.39 को आप 3 से डिवाइड करना है। तो ये सब के सब जो है डेसिमल पॉइंट हैं जिसमें किसी न किसी होल नंबर से आपको डिवाइड करना है। तो इसमें से देखिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ईजिली है, आप कर सकते हो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर यल। ओके, 1701.92 को हमें 16 से डिवाइड करना है। तो पहले हम 17 को 16 वन जा 16, वन टाइम में ये आपका डिवाइड होगा, 16 वन जा 16, वन राइट किया हमने यहाँ पे, ये 0 आपका नीचे आ गया, 0 10। अब देखिए अब हम इसको 10 इज़ लेस देन 16 तो हम इसको 0 टाइम ले जाएंगे, ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद 10। ओके, फिर हम 1 को नीचे लाएंगे 101, अब 16 101 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 वन जा 16, 16 सिक्स जा 96, ये 6 टाइम आपका डिवाइड होगा, क्योंकि 16 सिक्स जा 96, 16 सेवन जा 112, इसलिए ये 6 टाइम आपका डिवाइड होगा। 6 टाइम हम ले जाएंगे, 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, ये आपका 99। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आपका डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ पे राइट कर देंगे, फिर 9 को हम क्या करेंगे नीचे लाएंगे 59। अब 16 का टेबल रीड करिए, 3 टाइम ये जाएगा। ओके, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, तो आपका ज़्यादा हो गया, तो हम 3 टाइम ले जाएंगे इसको, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 1, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 1। ओके, नेक्स्ट है हमारा 2 को हम नीचे लाएंगे 112। अब 16 का टेबल रीड करिए, 16 से बन जा 112, 7 टाइम ये आपका देखा देखिए कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। ओके, नो रिमाइंडर, सो योर आंसर इज 106.37। ओके, क्वेश्चन क्या आ गया आपका, 106.37। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमने सबसे लास्ट क्वेश्चन जो थोड़ा टफ लग रहा था हमको, हमने आपको समझा दिया, और बाकी सब ऊपर के जो क्वेश्चन सब बिल्कुल ईजी हैं, बिल्कुल इसी बेस पे आप इनको सॉल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट है आपका देखिए इसमें टेंस हंड्रेड थाउजेंड इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको
आपको डिवाइड करना है डेसिमल पॉइंट डेसिमल नंबर्स को। 23.43 को हमें 10 से डिवाइड करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए इसमें हमें ई सॉल्व करेंगे 6.96 में को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। हमने अभी आपको ऊपर बताया कि जब जब डेसिमल नंबर को किसी ऐसे नंबर जो 100 हो या फिर 1000 हो, जीरो टाइप के हों क्वेश्चन डिनोमिनेटर में, तो हम उनको जब डिवाइड करते हैं डेसिमल नंबर को, तो जितने जीरो डिनोमिनेटर में होते हैं उतने क्या होता है डेसिमल पॉइंट के बाद उतने डिजिट होते हैं। दिस मीन्स उतने डिजिट जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट पुट करते हैं, ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। ओके, 6.96 को हमें 1000 से डिवाइड करना है। ओके, हाँ तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको डेसिमल नंबर को हटा सकते हैं। सबसे पहले हम डेसिमल जो पॉइंट है सॉरी डेसिमल पॉइंट को हम हटाएंगे, तो डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से ही क्यों करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद टू डिजिट है, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। ओके, देखिए 6.96 में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम नीचे करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें 20 और पड़ जाएगा। ओके, अब हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर, आप जानते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट 20 बार पुट करते हैं, तो हमारा 6 ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 और इसमें बढ़ जाएगा हमारा 20, उसके बाद हम 2 क्या करेंगे 2 पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे 2 डिजिट के बाद 12, ये हमारा हो गया 696 अपान 1s, 10s, 100s, 1000s, 10000 एंड लैक। ओके, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं कि हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होता है, जितने जीरो नीचे होते हैं उतने जो है उतने पॉइंट के बाद हमें उतने डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट पुट करना होता है, डेसिमल पॉइंट जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए 696, अब देखिए इसमें 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 0 है, दिस मीन्स डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट पुट होगा। ओके, 1, 2, 3 है आपका, 1, 2, 3 ये हो गया 4, 5, हम 0 बढ़ा देंगे तब आपका डेसिमल पॉइंट पुट होगा। ओके, 1, 2, 3, 4, 5 जितने 0 रहेंगे उतने 0 हम क्या करते हैं, उतने 0 के उतने डेसिमल डिजिट के बाद हम जो है डेसिमल पॉइंट पुट करते हैं। ओके, लेफ्ट साइड में हमारा डेसिमल पॉइंट क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 0.04 को हमें 100 से डिवाइड करना है। ओके, तो इसको हम या तो डेसिमल नंबर हटा करके इसको डिवाइड करें या फिर डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। पहले डेसिमल नंबर हटा के हम करते हैं तो 0.0 डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए हम पहले डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ओके, तो ये हमारा 0.04 अपान ये 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 से नीचे भी करना पड़ेगा। ओके, जिस पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही नंबर से हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ पे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 अपान ये हो जाएगा 120 आगे बढ़ जाएगा, हमारा हो गया 10000। ओके, 10000, अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 1, 1, 2, 3, 4 ओके 40 है, दिस मीन्स आपका डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 4 डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ पे 4 आप राइट करोगे, फिर 1 हो गया, 2, 3, 4 उसके बाद आप डेसिमल पॉइंट पुट करोगे, फिर आपका हो गया 0। ओके, 0.0004 ये हो गया आपका आंसर। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे भी, देखिए डेसिमल पॉइंट आपका क्या होता है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है जितने 0 होते हैं। तो आपका 20 है नीचे, तो यहाँ से 20 लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए,
ये है 0.4 है आपका लेफ्ट साइड, साइड में 2.0 और शिफ्ट करेंगे 2 पॉइंट, तो 1.2 और इंक्रीज कर दीजिए, 0 और बढ़ा दीजिए, अपने डेसिमल पॉइंट यहाँ पे पुट कर दिया। ओके 0.004, देखिए 0.004। ओके आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन आपको कॉपी पे ऐसे दिखा करके करना होगा। ओके ये केवल आपको समझने के लिए है कि आप डायरेक्टली अगर आपको ये आप डायरेक्टली अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। इसको हमें डिवीजन के थ्रू देखिए समझना हो, हमें 4 को क्या करना है, 10,000 से डिवाइड करना है, तो 4 इज लेस देन 10,000, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे और यहाँ पे 10 बढ़ा देंगे। ओके 40 इज लेस देन, ये आपका 0 टाइम जाएगा। ओके ये हो गया आपका 40। ओके हमने सबट्रैक्ट किया 40 हुआ। अब बट यहाँ पे फिर आपका 40 बच गया, फिर आप यहाँ पे चूँकि आपने डेसिमल पॉइंट पुट किया यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हो। ओके 400, फिर हम 400 इज लेस देन 10,000, फिर हम 0 टाइम ले जाएंगे इसको, ये हमारा हो गया 400 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ओके 400 इज लेस देन 10,000, यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है, तो हम चूँकि डेसिमल पॉइंट पुट किया इसलिए हम आगे 0 राइट कर सकते, तब तक राइट कर सकते हैं जब तक ये डिवाइड ना हो जाए। ओके 4,000 भी लेस है तो हम इसको 0 टाइम ले जाएंगे, ये हो गया हमारा 4,000। ओके 4,000 हो गया। अब 4,000 इज लेस देन 10,000, इसमें हम 10 फिर बढ़ा सकते हैं। ओके हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आया 4,000, फिर हमने 0 बढ़ा दिया, हमारा हो गया क्या 40,000। अब देखिए ये 4 टाइम 10,000 है, 10 4 40 टाइम, ये आपका 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। सो 0.0004। ओके इस तरह से देखिए डिवीजन के थ्रू जब हमने निकाला तो हमारा यही आया, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, ये आपने डिवीजन के थ्रू समझ लिया। इसीलिए डायरेक्टली हमने आपको बता दिया कि जब हम डिवाइड करते हैं तो आपको क्या करते हैं, जितने जीरो होते हैं उतने उतने डिजिट डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड में। ओके देखिए 1 2 3 4, ओके 4 डिजिट है, 1 2 3 4, 4 0 है, 4 डिजिट हमने क्या किया डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 4 डिजिट पुट किया है, हम इसको डेसिमल पॉइंट को हमने 4 के यहाँ शिफ्ट कर दिया। ओके ये 1 था ही, 3 0 हमने और बढ़ा के डेसिमल पॉइंट को पुट कर दिया। इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हो, इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 6.3 को आपको 30 से डिवाइड करना है, 23,000 इस टाइप्स के नंबर हैं। ओके तो हम इसको किस तरह से करेंगे, वन क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर डी हम करते हैं, 9 and 18.63 को 9,000 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो डी है 9 and 18.63/9,000, इसको हमें डिवाइड करना है। ओके अब हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 9 and 18.63/9 मल्टीप्लाई बाई 1,000 इसको हम राइट कर सकते हैं। ओके अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है 9 and 18.63 इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। ओके 9 and 18.63 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे, देखिए 9 1 9, यहाँ डायरेक्टली आप कर सकते हो 9 1 9 1 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 9 1 9, फिर है आपका 1 है, ओके 1 है, फिर 18 है, तो 1 है चूँकि आपका, तो 1 के बाद 1 को आप 0 टाइम ले जाओगे, फिर 18 करोगे तो आपका आएगा 10 9 2 18। ओके डेसिमल पॉइंट है, यहाँ डेसिमल पॉइंट हम पुट कर देंगे, फिर आपका 6 है, ओके 6 है, 6 को आप डिवाइड करोगे 0 टाइम, इसको आप प्रैक्टिकली करके भी देख लीजिए ऐसे ही, हम आपको ऐसे नहीं समझ में अगर आ रहा होगा, देखिए हम 9 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 1 9, ये हो गया आपका कट किया, क्या हम 1 राइट करेंगे 0 टाइम ले जाएंगे, ये हो गया 1 आपका, फिर हम 8 नीचे राइट करेंगे 18 9 2 18। ओके ये आपका कट किया, अब डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, डेसिमल पॉइंट को यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद 6 को हम क्या करेंगे नीचे राइट करेंगे,
सिक्स, सिक्स इज लेस देन नाइन, फिर आपका ये जीरो टाइम ही जाएगा, ये हो गया आपका सिक्स। फिर हम थ्री नीचे राइट करेंगे, 63, अब 9 7 जा 63, तो आपका आंसर क्या हो गया 102.07, ये हो गया आपका 102.07। अब इसको हम यहाँ पे हम 1000 राइट कर सकते हैं, 9 आपका डिवाइड हो गया, कट गया, तो ये हो गया आपका 1000, हम नीचे बच गया आपका, तो 1000। अब ये आप कर सकते हो, आपको पता है कि नीचे जितने जीरो होते हैं उतने हम डेसिमल पॉइंट क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे 30 है तो हम डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो 3 डिजिट जब शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 आपका हो जाएगा 0.10207। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.1027। इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन्हें हम इसी बेस पे सॉल्व करेंगे। ओके, बिल्कुल सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आपको ऐसे ही करना है जैसे हमने बताया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें देखिए डेसिमल जिससे हमें डिवाइड करना है वो भी डेसिमल नंबर है, और जिसमें हमें करना है वो भी डेसिमल नंबर है। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें डिवाइज़र और डिवाइडेंड दोनों आपका डेसिमल नंबर है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को डिवाइज़र में जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम होल नंबर में चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जे है 927.2472 को हमें 63.86 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइज़र का जो होल नंबर है उसको, सॉरी डेसिमल नंबर है, उस डेसिमल पॉइंट को हम हटाएंगे। तो हम कैसे हटाएंगे, 927.2472/63.86। अब हमने आपको बताया है कि जब हमें डेसिमल पॉइंट हटाना हो तो हम क्या करेंगे, हम जैसा सुटेबल हो 10, 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दिस मीन्स हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। ओके, तो हम इसमें 100 से सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 927.2472 में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका इक्वल है अपान 63.86 में भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये 20 है, दिस मीन्स आपका, तो ये देखिए 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा इसमें 20 आगे बढ़ जाएगा, 927.2472/00। अब हमें 4 पॉइंट के बाद क्या करना है, डेसिमल पॉइंट पुट करना है, तो अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 पॉइंट के बाद हमने डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया। अब नीचे आपका 63.86, इसी तरह से आप नीचे करोगे 63.86, 20 आपने बढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे, तो ये हमारा देखिए हमने पुट कर दिया, हमारा क्या हो गया, ये होल नंबर में चेंज हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो हम इससे अब इसको डिवाइड करते हैं। आप इसको चाहे तो पार्ट वाइज भी डिवाइड कर सकते हो या फिर डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो। पार्ट वाइज डिवाइड करने का मतलब ये है कि आप इसको, जैसे ये आप लास्ट में 6 है आपका, इसमें 2 है, दिस मीन्स ये 2 से आपका दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, इसको दोनों 2 से कट कर सकते हो। फिर आप चेक करोगे कि अगर आपका दोनों पार्ट किसी ऐसे डिजिट से डिवाइड हो जा रहा है तब दोनों पार्ट को डिवाइड करोगे, या फिर आप इसको देखिए 1 टाइम डिवाइड होगा, उसके बाद हम 12 में सबट्रैक्ट करते हैं, इसको 12 में 6 सबट्रैक्ट करेंगे 6। ओके, उसके बाद आपका यहाँ हो जाएगा 6, 16 में से 8 सबट्रैक्ट करेंगे 8। ओके, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 11 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो 8 होगा हमारा, और यहाँ हो जाएगा 2। ओके, हम 4 नीचे राइट करेंगे। अब हम देखेंगे कितने नियरेस्ट वैल्यू तक इसको निकाल सकते हैं, तो 6 का देखिए, 6 का हम 6 4 जा 24, 6 5 जा 30,
ओके, 5 टाइम क्या हो गया आपका, ज़्यादा हो गया, तो हम 4 टाइम ले जाएंगे इसको। 4 टाइम, 4 का हम से मल्टीप्लाई करके देखेंगे इसकी वैल्यू जो इसके लेस आती है या इसके इक्वल आनी चाहिए। ओके, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। 6, 4 6 जा 24, 4 हुआ आपका, 2 आपका कैरी हो गया, 6 8 जा 48, 48 में 4 ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आएगा। ओके, तो हम ये देखिए, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया हमारा 0, 6 में से 4 2, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 3, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 3, 2 2 आपका 0 कट किया। ओके, अब पॉइंट हम यहाँ पॉइंट पुट करेंगे। ये हमने 4 देखिए, 4 यहाँ पे राइट नहीं किया, 4 राइट करेंगे, फिर हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे और यहाँ पे 7 नीचे राइट कर लेंगे। अब देखिए कितने टाइम ये जा सकता है। अब हम इसकी नियरेस्ट वैल्यू निकालेंगे। 6 का टेबल रीड करिए, 33 से ज़्यादा ना हो, तो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, दिस मीन्स 5 टाइम आपका, 5 टाइम ये आपका जा सकता है, डिवाइड हो सकता है। 5 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30 0 3 आपका कैरी हो गया, 5 है ना, 5 6 जा 30 0 3 हो गया, 5 8 जा 40, और 40 में 3 ऐड करेंगे, 43 3 हो गया, 4 आपका कैरी, फिर 5 3 जा 15, 15 में 4 ऐड करेंगे, 19 9, ओके 19 1 आपका कैरी हो गया, फिर 5 6 जा 30 31। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 यहाँ हो गया, 0 less than 3, सो 10, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 1 11, 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 यहाँ हो गया, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, 1। ओके, फिर हम 2 को क्या करेंगे, नीचे राइट कर लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें चेक करते हैं कितने टाइम ये टेबल जा सकता है। देखिए, 6 2 जा 12, 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे अब टोटल में, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 7 17, 7 हो गया, 1 कैरी, फिर 2 3 जा 6 7, 2 6 जा 12, ये आपका कट गया। यहाँ पे आप कितने टाइम ले गए थे, यहाँ हमने राइट ही नहीं किया, देखिए ये आपका गया था 5 टाइम, ये आप हमने यहाँ पे देखिए, आप 5 टाइम गया था, 5 हमने राइट नहीं किया था, 5 हो गया। यहाँ आप कितने टाइम ले गए थे, 4 टाइम। ओके, ये 4 हो गया, सो 14.54 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे जो टफ क्वेश्चन था वो हमने आपको समझा दिया, इसी तरह से आप इसको करोगे। देखिए 10.44 का क्वेश्चन नंबर डी है, इसको भी आपको क्या करना है, होल नंबर में चेंज करना है नीचे डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को जब हम होल नंबर में चेंज करेंगे तो हम ऊपर नीचे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो 32.8 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ऊपर भी 10 से करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 7 8 8, हमारा डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और ये हमारा हो जाएगा 328। अब हम 328 से इसको डिवाइड करेंगे। आप चाहे इसको पार्शियली डिवाइड कर सकते हो, जैसे 2 से ये दोनों आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे, जिस नंबर से हम नीचे करेंगे ऊपर भी करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ओके 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 पॉइंट, 2 4 जा 8, ओके ये हो गया। अभी भी आपका ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये देखिए 4 से भी आपका डिवाइड हो जाएगा, ऊपर ऊपर चेक करते हैं हम 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, 4 5 जा 20, 39 हो गया, फिर 4 से आपका ऊपर भी डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 5 जा 20, 3 आपका हो गया नीचे 39, फिर 4 8 जा 32, 32 32, 39 में से 32 सब ट्रैड करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए अभी 8 नहीं, ये 9 टाइम भी जा सकता है, 4 9 जा 36, ओके ये 9 टाइम जाएगा आपका, 4 9 जा 36, 36 3 हुआ 34 आपका,
फिर आप डिवाइड करोगे 4 से, 4 8 जा 32, फिर 4 4 जा 4 6 जा 24। ओके, ये हो गया आपका। इस तरह से हम जिस नंबर से डिवाइड करेंगे पार्शली भी डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको 41, अब देखिए 41 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, इससे आप इसको डिवाइड करेंगे। अब 41 से इसको डिवाइड करेंगे। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि ये हमने लंबे नंबर को, जो हमारा लॉन्ग नंबर था, उसको हमने शॉर्ट में करने के लिए इस तरह से किया है। आप चाहे तो डायरेक्ट 328 से डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो 41 से हम करेंगे इसको 598.6 को। अब 41 ये वन टाइम आपका जाएगा, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 8, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 1। ओके, नीचे हमने 8 राइट कर लिया, 188। अब 4 4 जा 16, 4 5 जा 25, 4 टाइम ले जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 4, 8 में से 6 किया 2, ये हमने डेसिमल पॉइंट यहाँ पुट कर दिया 6। फिर हम 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 6 टाइम ले जाएंगे, ये देखिए हमारा कट गया, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। ओके, आपका आंसर क्या आ गया, 14.6। हमने इसको पार्शली डिवाइड करके इसको शॉर्ट नंबर में चेंज कर दिया। आप चाहे तो डायरेक्ट अगर इसको डिवाइड करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, 328 को अगर आप डायरेक्ट इसको 4788.8 को करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। ओके, देखिए 328 को हम वन टाइम ले जाएंगे, ये हो गया 0, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 5 1। ओके, फिर हमने 8 कट गया, तो देखिए दोनों में आपका सेम आंसर आ गया। आप चाहे इसको पार्शली डिवाइड करके छोटा करके डिवाइड कर सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट डिवाइड करो, आप ये आपके ऊपर है। ओके,